क्या नाम है आपका? हरिराम। क्या कहना चाहेंगे, सिरसा में कथा होने जा रही है? बहुत अच्छी बात है जी, हम तो बठिंडा भी गए थे, 7 दिन हुआ रहे थे लगातार, बहुत अच्छी चीज है, लोगों को फायदा होता है, कोई माने तो। और बताओ, सिरसा में अब मतलब काफी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है इस चीज को लेकर? सब में है जी, बहुत लोग जा रहे हैं। तो प्रदीप मिश्रा को आपने पहले भी सुना है? हमने पहली बार अभी सुना है, हमें अभी अच्छा लग रहा है, हम रोज सुनते हैं, टीवी पे देखते हैं। सिरसा में पहली बार आ रहे हैं जी? हाँ जी, बड़ी खुशी की बात है, दूर नहीं जाना पड़ेगा, वरना दूर जाना पड़ता। और बताओ, तो क्या कुछ उनके द्वारा प्रवचन जो किए जाते हैं वो पसंद आते हैं, जो टोटके बताए जाते हैं? टोटके पसंद आते हैं, टोटके से फायदा होता है, हमें खुद फायदा हुआ है। हमारे मेरे घरवाली सिर में दर्द था बहुत सालों से, कहीं ठीक नहीं हुआ, तो इसको टीवी देखे तो उसको 6 महीने हो गए, पूरा फायदा है। क्या कहना चाहेंगे, सिरसा में शिव पुराण की कथा होने जा रही है? सबसे पहले तो भाई गोपाल कांडा जी का, गोविंद कांडा जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सिरसा वासियों का जो सौभाग्य है कि उनको मतलब ये कुंभ मेला गोविंद भाई साहब ये इतना बड़ा मेला करवा रहे हैं, मेला नहीं इसको महाकुंभ मेला कहेंगे, ठीक है ना। और सिरसा वालों का सौभाग्य है कि ऐसे मतलब महापुरुष जो आ रहे हैं, कथावाचक आ रहे हैं, कथा करने के लिए आ रहे हैं, उनका सौभाग्य है। और सुनने में जैसे आप कई यूट्यूब पे देखते हैं, उनकी कथा वगैरह सुनते हैं, बहुत अच्छी है। बाकी रही बात कथा करने के बाद जो यहाँ का माहौल बनेगा, वो तो देखो शिव जी की कथा करेंगे, शिव भोले का नाम होगा तो नेचुरली तो वाइब्रेशन वैसी आएगी। काफी बड़े स्तर पर देख रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़े स्तर पे हो रही है जी। मतलब कुटिया के अंदर जैसे सुनने में अभी 2-2.5 लाख 3 लाख मतलब होने की गैदरिंग होने का संभावना है। और भाई गोपाल जी की तरफ से सुबह शाम सारा दिन वहाँ पे लंगर का प्रोग्राम पूरा तहत मतलब पूरी व्यवस्था की गई है, और प्रोग्राम बहुत अच्छे, ये तो सौभाग्य है सिरसा वालों का। ऐसा प्रोग्राम घर की बात करें, आस पड़ोस की बात करें, आस पड़ोस हाँ, सभी को खुशी है जी। मतलब रिश्तेदारों के फोन आते हैं, आपके सिरसा में आए, 2-4 रिश्तेदार आएंगे भी, हमारे भी आएंगे, और अड़ोसों में पता चला है सभी के रिश्तेदार आ रहे हैं, तो सभी को अच्छा लग रहा है। प्रदीप मिश्रा जी का प्रोग्राम तो देखो हरियाणा में सुनने में, हरियाणा में पहली बार आ रहे हैं, और वो भी सिरसा का सौभाग्य है। मतलब सिरसा में भाई गोपाल जी गोविंद जी मिलके मतलब उनको बुला रहे हैं, सबसे बड़ा श्रेय यहाँ श्रेय तो उन्हीं को जाएगा जी, सिरसा वासियों का है सबसे बड़ा श्रेय उनके लिए, उन्होंने मतलब प्रोग्राम दे रखा है। मेरा नाम नतीश गर्ग जी। की कहना चाहोगे, सिरसा दे विच कथा होन जा रही है, कितना उत्साह देखा जा रहा है? जो 25 तरीक नु कथा हो रही है, प्रदीप मिश्रा जी कांडा परिवार करा रहे हैं, ये लोगों च इतना छा है भी कुटिया थोड़ी पड़ गई थान, 2-2.5 लाख बंदा आ रहा है, इंतजाम भी बहुत चंगी पद्धत से चल रहे है, गोविंद जी इतना कंप्यूटर दिमाग है काम कर रहे है, दिन रात मेहनत करके काम कर रहे है, 2 घंटे दिन में 24 घंटे में सौंदे है, 24-22 घंटे काम कर रहे है, बहुत वधिया कथा लोगों नूं सुनने, मतलब कि दूर पार जाना पैंदा सी ना सुनते सी, हुण प्रदीप मिश्रा जी कुटिया में आ रहे है ते बहुत लोगों नूं अच्छा लगा। चलो पहली बार देखा जा रहा है कि सिरसा दे विच जो प्रदीप मिश्रा जी हैं वो आ रहे ने, और इस तो पहला भी कुटिया दी गल करिए लगातार कथा, अगर किसी कोई कथावाचक आंदे तो कुटिया दे विच बुलाए जांदे ने? पहली बार भी कुटिया दे विच कदे भी शिवरात्रि ते 2 शिवरात्रियां दा भी कथा हुंदी है, पहला जैक सोरी आया करदी सी, हुण प्रदीप मिश्रा जी आ रहे है, हरियाणा च पहली बार आ रहे है, ते प्रदीप मिश्रा जी नूं लै के उहनां दे द्वारा कथा जो कीती जांदी है, शिव पुराण दी कथा लगा लो जां जो भी आपां कथा दी गल करिए, तां की कुछ मानदे हो कि उहनां दे द्वारा जो कथा सुनाई जांदी है किन्नी फायदेमंद हो जांदी है? जो लोगों तो सुनते जी, मैं तो पहली बार देखूंगा, पहली बार सुनने जाऊंगा, पर जो लोगों ने सुनते हैं भी बहुत वधिया है, जो टोट के बता रहे हैं वो भी लोगों के पसंद आ रहा है, साढ़े मेरे पड़ोसी था जाते रहे बठिंडे 7 दिन लगातार ट्रेन पे, पर ये कह रहे हैं बहुत वधिया है।